का आपके अपने YouTube चैनल IIT एग्जाम में। दोस्तों काफ़ी सारे छात्र कमेंट करते हैं कि सर जो क्लास होती है हमारी उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचता होगा, है ना। तो डियर आज इसी के मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं। तो देखो मैं पॉइंट टू पॉइंट सबसे पहले तो बात कर लेता हूं आपके नोटिफिकेशन को लेकर। तो देखिए आप जब अपना YouTube चलाते होंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस दिखता होगा। आप सीधा चलाओ चाहे इसको लैंडस्केप में कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिखता होगा। जब आप लोग इसमें चैनल पर जाते होंगे, चैनल सबको खोलना आता होगा, चैनल पर आपको क्लिक कर देना, जैसे आपको ये दिख रहा है लोगो चैनल का, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर आओगे चैनल पर आप पहुँच जाओगे, जैसे व्यू चैनल का आपके पास ऑप्शन आ जाता है इस साइड में यहाँ पर कि व्यू चैनल, चैनल पर जाएँ, ठीक है। तो ऐसे आ गए आप लोग। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि जब आप लोग चैनल की कोई भी वीडियो चलाते हो, ठीक है, सपोज़ करो मुझे कोई सी भी एक वीडियो ये चलानी है, उसके बाद देखो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन खुल जाता है कि यहाँ पर आपको जैसे आपने वीडियो चला रखी है यहाँ पर ये सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये जो बेल आइकन दिख रहा है, जो घंटी का निशान दिख रहा है, ठीक है, जो आपको घंटी से का निशान दिख रहा है ये वाला सिस्टम, तो इस पर आपको क्या करना पड़ेगा डियर, यहाँ पर आपको ये ऑन करना पड़ेगा घंटी का। जैसे मैं घंटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर ऑल ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ पर ऑल वाले पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे मैं ऑल वाले पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर दो डंडे से इसके साथ में जुड़ चुके हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या हो गया कि अब आपका जो नोटिफिकेशन है वो ऑन हो चुका है वीडियोस का। अब भी जब भी मैं क्लास दूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बस आपको ये चेक करना है कि ये ऑल है या फिर नहीं, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि ये ऑल सिलेक्टेड है या फिर नहीं। हो सकता है आपने इसको नन कर रखा हो, या फिर इसको ये पर्सनलिटी कर रखा हो, या फिर आपने ऑल पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपको ऑल पर इसको एक बार जरूर देख लेना है, क्लियर है आप लोगों को। और दूसरा तरीका यह है कि जैसे आप पूरे चैनल पर जाओगे, जैसे वीडियोस मिल जाती हैं आपको, प्लेलिस्ट मिल जाती हैं, कम्युनिटी मिल जाती है, तो उसमें जो होम वाला सेक्शन आपको दिखता है, होम वाले सेक्शन में आप नीचे की साइड आइए और नीचे की साइड आपको देखिए यहाँ पर चैनल का लोगो मिल जाता है और सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर भी देखो आपको बेल आइकन घंटी का निशान दिख रहा है। देखिए यहाँ पर फिलहाल ये ऑल हुआ हुआ है, ठीक है। अगर ये आपको यहाँ पर इस प्रकार से मिला बिना या फिर नन मिलता है आपको, तो आपको सिंपल इसको क्या करना है, ऑल पर क्लिक करके इसको बेल आइकन को ऑन कर लेना। ये आपका घंटी का निशान होता है, ताकि जब भी मैं क्लास लाऊंगा फिर वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा सबसे पहले आपके मोबाइल में। अब देखो बाकी आप लोग कमेंट करते कि सर जो है प्लेलिस्ट हमें नहीं मिल पाती। देखो चैनल पर आपको आ जाना है, जितने भी वीडियोस हैं वीडियोस आपको यहां पर मिल जाती हैं, और जो प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट आप लोग यहां पर चेक कर सकते। जितनी मैं अभी तक क्लासेस करवा रहा हूं वो सारी की सारी आपको यहां पर दी गई हैं। देखो यहां पर सारी की सारी जो क्लासेस हैं उनके सारे के सारे यहां पर पॉइंट क्लासेस दिए गए हैं, ठीक है। आपको फेटर की देखनी है, इलेक्ट्रिशियन की देखनी है, इंजीनियर ड्राइंग देखनी है, वर्कशॉप ES जो कुछ भी देखना हो आपको सारे के सारे यहां पर वीडियोस मैंने यहां पर डाल रखी हैं। आप यहां से क्लिक करके एक बार देख सकते हो, क्लियर है आप लोगों को। और दूसरा एक और बात है यहां पर कि काफ़ी सारे डाउट्स ये भी बनते हैं डियर कि जब हम आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते रहते हो तो क्या होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। मैं पूरा बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा क्लासेस का। तो देखिए आपको यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस या सभी ट्रेड के लिए, ये चलो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर जिस पर मैंने ये डब्बा सा बना दिया है, ये वाला सेक्शन, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए आपके सामने इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। देखो यहाँ पर लिखा भी आ रहा है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारे के सारे लिंक डाल रखे हैं PDF के, इंजीनियर ड्राइंग PDF, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप, ऑल ट्रेड PDF, तो सारे के सारे जो लिंक है वो यहीं पर आपको मैंने डाल दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करके आप कोई सा भी जो लिंक्स है वहाँ पर जा सकते हो, क्लासेस आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, सारी क्लासेस का मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट भी लिंक दे रखे हैं, यहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हैं। बाकी किसी को PDF चाहिए तो PDF डाउनलोड करने के लिए देखो, जैसे मैं सपोज करूँ मुझे इंजीनियर ड्राइंग की PDF डाउनलोड करनी है तो मैं इंजीनियर ड्राइंग पर क्लिक करोगे तो आप क्रोम ब्राउजर में आ गए, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर आपको ड्राइंग की PDF भी दी गई है, आपको फर्स्ट ईयर की ड्राइंग की PDF डाउनलोड करनी है तो क्लिक नाउ पे यहाँ पर इस ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। सेकेंडरी की चाहिए यहाँ से क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अभी ये अपडेट हम कर रहे हैं धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी PDF है इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर की, यहाँ पर हम धीरे धीरे अपडेट करते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बनते जाएंगे हम यहाँ पर और PDF जो है अपडेट करते जाएंगे। उसके अलावा देख सकते हो आप लोग जो यहाँ पर आपको तीन डॉट दिख रहे हैं, तो तीन डंडे से दिख रहे हैं आपको, इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना है आपको। और देखिए यहाँ पर आपको सारे के सारे ऑप्शन ओपन हो गए, ऑनलाइन टेस्ट का, ITI ट्रेड थ्योरी ऑल PDF, आप लोग जो PDF के लिए डिमांड करते हो, नीमी बुक की यहाँ पर दे रखी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की PDF आपको दे रखी है, ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। एडमिट कार्ड वगैरह कैसे आपको डाउनलोड करने हैं, मार्कशीट वगैरह सारा सारा सिस्टम हमने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट लगाना है तो ऑनलाइन टेस्ट वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट वाले सेक्शन पर आएंगे तो देखो यहाँ पर आपको सारे के सारे जो अपनी ट्रेड है, सपोज करो देखो इंजीनियर ड्राइंग का टेस्ट ये रहा, टेस्ट 1 टेस्ट 2, ठीक है। उसके बाद नीचे की ओर चलते हैं, नीचे की ओर हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इंजीनियर ड्राइंग सेकेंड ईयर का टेस्ट
टेस्ट वन, टेस्ट फोर, मतलब ये सारे के सारे टेस्ट आपको दे रखे हैं। सेकंड ईयर का टेस्ट आपको यहाँ पर दे दिया, ठीक है, ये सेकंड ईयर का टेस्ट आपको दे दिया, ठीक है। वर्कशॉप का टेस्ट आपके सामने देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, वर्कशॉप का क्लिक वन क्लिक टू, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर टेस्ट लगा सकते हैं। देखिए सारे के सारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है ना, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकंड ईयर, तो सारे के सारे आपको यहीं पर टेस्ट दिए गए मौजूद हैं, यहाँ पर वेबसाइट पर आकर आप लगा सकते हो, ठीक है। तो क्लियर होगा आपको, नहीं तो अब सिंपल आप लोग सोचो कि वेबसाइट पर आना कैसे है, तो कुछ नहीं करना आप, या तो गूगल क्रोम में सर्च कर लो ITIExamYT.net, ठीक है, ITIExamYT.net सर्च करो, नहीं तो नीचे वीडियोस के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने अभी बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसा होता है वहां से क्लिक करके आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी आपका सवाल बने तो, नहीं तो आप गूगल क्रोम में ये सर्च कर लो ITIExamYT.net, जो आपको यहां पर ऊपर की साइड दिख रहा है ना, ये वाला सेक्शन देखो, यहां पर ITIExamYT.net लिखा है, ये सर्च कर लो गूगल में आकर के, यहां पर भी आपको दिख जाएगा, क्लियर है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, तो पूरा का पूरा मैंने सिस्टम आप लोगों को बता दिया है कि क्या इसमें सिस्टम रहने वाला है डियर। और जो आप लोग ये देख रहे हो ना मेंबर, आप लोग कमेंट करते हैं कि हमें ज्वाइन होना है, तो देखो ज्वाइन होने के लिए आपको देखो यहाँ पर ना ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेंबर है भाई, मेंबर मतलब चैनल का मेंबरशिप लेना चाहे, कुछ जुड़ना चाहे चैनल के साथ, कुछ चैनल को जैसे हमें हेल्प हो जाती है कुछ भी फाइनेंशियल, ठीक है, तो इस वजह से बंदे यहाँ पर जुड़ते हैं, तो इसमें आपको कुछ पे करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो मेंबर होते हैं, अगर ये कुछ भी मुझसे पूछते हैं तो मैं इनको जरूर रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि क्योंकि इन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन करके, देखो यहाँ पर ज्वाइन का जो ऑप्शन आता है ना लिखा हुआ, इसका मतलब यही होता है कि आप ज्वाइन कर सकते हो। और कभी आप ये सोचो कि ये क्लासेस तभी आप ज्वाइन कर पाओगे जब तक आप इसको नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप देखो यहाँ पर फ्री में सारी की सारी क्लासेस दी गई हैं, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ पेड, आपका यहाँ पर पेड कुछ भी नहीं है, ठीक है डियर। अभी तक कोई भी यहाँ पर पेड हमने क्लासेस नहीं चला रखी, यहाँ पर सब कुछ आपके लिए भी फ्री चल रहा है सिस्टम, क्लियर है। आप लोगों को सारी क्लासेस आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगी, बाकी सारे के सारे वीडियोस मैंने यहाँ पर दे रखी हैं, कैसे ऑनलाइन टेस्ट होता है उसकी वीडियोस भी यहाँ पर आपको चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट आपकी जो आपका ऑनलाइन पेपर होगा कैसे होगा आपका, ठीक है, और जो आपका पेपर है वो कितने नंबर का आएगा उसका भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना रखा है, कैसे पेपर आएगा, कितने, देखो यहाँ पर देखते हैं कि ITM पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है मैंने यहाँ पर दे दिया आप लोगों को, ठीक है, वो आप लोग यहाँ से आकर के देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कैसे आपको क्लासेस देखनी है, और बेहतर अगर आपको तैयारी करनी है तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ऑनलाइन टेस्ट भी लगाना पड़ेगा, क्लासेस भी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, तभी जाकर आप फाइट कर पाओगे एग्जाम में, क्योंकि जल्दी आप लोग के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो जब तक आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर दिक्कत जाएगी, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास वीडियोज़ को मैं यहीं पर ध्यान करता हूँ, अब भी कोई आपका डाउट बनता है तो मुझे लास्ट में आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से भी आप लोग क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लेते हैं दोस्तों, धन्यवाद।